वेलकम टू मैथिक्सिस सीबीएसई क्लास टेंथ। तो आज इसमें हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास टेंथ मैथ्स के न्यू रिड्यूस सिलेबस के बारे में, और आपको मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक्स के कौन कौन से एक्सरसाइज और क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में नहीं आएंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट टर्म में हमें किस किस चैप्टर को पढ़ना है और उन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमारी एलिमिनेट हो गई हैं, किनको किनको हमें नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एनसीईआरटी बुक से बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम में, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका फर्स्ट टर्म है सीबीएसई का, उसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज आएगा, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है जो आपका फर्स्ट टर्म में आएगा वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो पहला चैप्टर तो ये है जो आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है, पॉलीनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पहले आप इन चैप्टर को मार्क कर लें जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर, पॉलीनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, फिर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके कौन से एक्सरसाइज और कौन से क्वेश्चन हैं जो नहीं आएंगे, जो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तीन चैप्टर आपने कन्फर्म कर लिया, रियल नंबर, पॉलीनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है वो है ट्रायंगल्स। क्या है? चैप्टर 6 ट्रायंगल, ये भी आपका फर्स्ट टर्म में आएगा। एंड चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी क्या है आपका फर्स्ट टर्म में, ये भी आएगा। ठीक है, एंड चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एंड जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। कौन कौन से हैं वह दोबारा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला है चैप्टर 1 रियल नंबर, देन चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स, देन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर जो आपका। ये जो चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो कि नवंबर में होगा उसमें आएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि हमें रियल नंबर की कौन कौन सी एक्सरसाइज एलिमिनेट की गई जो हमें नहीं पढ़ना है, जो हमें फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट टर्म एग्जाम में सबसे पहले जो एलिमिनेट किया गया आपका, जिसको हमें नहीं पढ़ना है, वह एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। इसको आप लोग क्या कर लें, छोटा सा क्रॉस बना लें, इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 का हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, देन है आपका इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2, ये कंप्लीट आपका सिलेबस में, इसमें हमें सब कुछ पढ़ना है, हर एक टर्म, हर एक क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करने, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1.2 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हमें सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि प्रूफ डैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूफ डैट 3+2√5 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूफ डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स, ये हमें कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 भी क्या हो गया है, तो एलिमिनेट हो चुका है, कट चुका है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हमें दो एक्सरसाइज नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? चैप्टर 1 में यानी कि रियल नंबर में हमें दो एक्सरसाइज नहीं पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, बाकी इसमें सब कुछ कोई भी चेंज नहीं है, बाकी सारे सब हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। नेक्स्ट क्या है? चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। तो हम जानेंगे आखिर हमें पॉलीनोमियल में क्या नहीं पढ़ना है, जो न्यू आपका सिलेबस आ रखा है। तो पॉलीनोमियल में बताया गया है कि हमें एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.1 आपका सिलेबस में है, इसको कंप्लीट पढ़ना है। एंड एक्सरसाइज 2.2 भी आपका सिलेबस में है, एक्सरसाइज 2.2, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सारे एक्सरसाइज हमें कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में हमें सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बस हमें पढ़ना क्या नहीं है, तो एक्सरसाइज 2.3 में को आप कैंसिल कर दीजिए, एक्सरसाइज 2.3 से कुछ भी नहीं आएगा। एंड एक्सरसाइज 2.4 जो आपका ऑप्शनल होता है, इसमें भी हमें कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चैप्टर 2 यानी कि पॉलीनोमियल्स में जो दो एक्सरसाइज रिमूव हुए हैं, वह एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज 2.4, इनमें हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इस बार के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, चैप्टर 3 में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
ठीक है। तो इसके हिसाब से यानी कि जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें बस इतना ही बोला गया है कि जो चैप्टर 3 है उसमें सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं जानना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं सीखना है, ठीक है, यानी बस उसी को हमें नहीं पढ़ना है। तो इस हिसाब से जो एक्सरसाइज 3.5 दिया गया है, एक्सरसाइज 3.5 के हमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ही नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। बाकी क्या पढ़ना है तो सब कुछ, देखिए यहाँ पे दे रखा है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस यही मेथड आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 3 मेथड पढ़ने होते हैं हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है, बाकी हमें सब कुछ पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 3.5 में हमें सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ना है। तो जैसे कि दे रखा है कि फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो पहला क्वेश्चन है, तो हमें इस पहले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं सॉल्व करना है, बाकी सभी क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और पढ़ना है। यानी चैप्टर 3 में कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, जो कि आपका है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। बस हमें इनको नहीं पढ़ना है, बाकी सबका सब चैप्टर 3 में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चैप्टर, जो कि आपका फर्स्ट हमें आने वाला है, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो देखिए चैप्टर 6 में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो आपका नया पेपर है, नया पेपर का पैटर्न है, वो क्या है, MCQ बेस्ड है। और तो चैप्टर 6 में हमें सब कुछ पढ़ना है, इसमें चैप्टर 6 से पिछले अभी तक, मतलब जो भी अभी आपके पिछले साल तक पेपर होते थे, उस पेपर में चैप्टर 6 से थ्योरम्स का प्रूव्ड आता था। क्या आता था? थ्योरम्स का प्रूव्ड, क्योंकि इस बार पेपर क्या है, MCQ है, तो थ्योरम तो प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, बस हमें क्या करना है, उनके बारे में जानना है, उनके बारे में समझना है। तो चैप्टर 6 में कोई चेंजेस नहीं है, चैप्टर 6 आपका कंप्लीट है, इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 6 के हर एक एक्सरसाइज को हमें पढ़ना है और हर एक थ्योरम के बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि है, यानी चैप्टर 6 में क्या है, कोई चेंजेस नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। इसमें हमें एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और समझना है कैसे होगा, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 7.2, इसको हमें क्या करना है, तो कंप्लीट पढ़ना है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, सबका सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3, जो कि आपका कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, एक्सरसाइज 7.3 हमें कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.3। एंड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 7.4 में दिए गए हैं, जिनको हमें नहीं पढ़ना है, उनमें एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप मार्क कर लें, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इनको हमें पढ़ने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है, जहाँ भी क्या आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, उनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें सब कुछ पढ़ना है, बस कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि उनके बारे में नहीं पढ़ना है, यानी कि कहने का मतलब कि हमें एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नहीं पढ़ने आया, तो एक एक्सरसाइज 8.3 ये आपका सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है, एक्सरसाइज 8.3 इसी को नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने समझ लिया, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, तो बस और बस एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और मिसलेनियस में जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट 1, ठीक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, 3 का पार्ट 2 हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है 8.4 में, ठीक है। एंड देन आता है आपका चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो आपका सिलेबस में है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें एक क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, तो जहाँ भी एंगल जो सेंट्रल एंगल है 120 का होगा उसको हमें नहीं पढ़ना है, बस किसके बारे में पढ़ना है कि जो एक्यूट एंगल्स दिए होंगे उन्हीं के बारे में पढ़ना है, जहाँ भी जो एक्यूट एंगल से बड़ा एंगल होगा उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है,
यानी कहने का मतलब कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको एलिमिनेट कर लिया गया है, बस और बस इसी को नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, क्या है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज दी गई है, तो हम मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी में से हर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये था आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन जिनको हमें पढ़ना है और वे क्वेश्चन जिनको हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक बार आपको समराइज़ कर देते हैं, तो चैप्टर 1 में यानी कि रियल नंबर में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना था, तो रियल नंबर में हमें नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.3। ये आपको चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में नहीं पढ़ना है। देन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो पॉलिनोमियल्स में हमें नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4। चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। यानी कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रखा है उसको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट था चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कुछ भी रिमूव्ड नहीं है, ठीक है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 के कुछ पार्टिकुलर्स क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चैप्टर 8 में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज 8.4 के कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड को नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर 12 है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसी को हमें नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 12.2 के इसी को नहीं पढ़ना, बाकी सब कुछ कंप्लीट पढ़ना है। और जो आपका आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सबका सब कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो थैंक यू, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू।